अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू कुकिंग विद सूफी अली। आज माशाल्लाह हमारे बच्चों का सिक्स रमज़ान है, तो आज उनके लिए कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। तो मैं ये चिकन स्ट्रिप्स रेडी कर रही हूँ। तो ये कैसे बनते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ इनकी रेसिपी। इस तरह से इनको सारे पीसेस में हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये पहले से ही मैंने थोड़ा सा इसको कट कर लिया था, क्योंकि बहुत मोटे मोटे पीसेस थे ये। और ये ब्रेस्ट चिकन है, बोनलेस है। इस तरह से ये इस तरह से सारे पीसेस हम कट कर लेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको पीसेस कट करके और सारे। चलिए इनको फिर से हम इसी छन्नी में ट्रांसफर कर लेंगे, ताकि अगर इसमें कुछ भी पानी हो तो निकल जाए पानी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप बताते हैं हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैंने हाफ कप मैदा लिया है, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून ये सोया सॉस है, और 1 टीस्पून विनेगर है, वाइट विनेगर है, और ये 1 एग है। इस तरह से। और इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क उस तरह से ऐड करेंगे, बैटर बनाना है ना हमें, तो कितना लगेगा वो देखना पड़ेगा। इसमें माप का नहीं, आपको बैटर कितना थिक होना है वो मैं बता रही हूँ आपको। ये इसको अच्छी तरह से सारा मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया, अभी इसमें थोड़ा सा और जाएगा, फिर इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए इस तरह से ये मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। अब हम ये सारे स्ट्रिप्स ना इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे इस तरह से। चलिए जब तक ये 30 मिनट के लिए सोक हो रहा है, तब तक हम बच्चों के लिए अपने मिनी डोनट्स बना लेते हैं। उसकी रेसिपी तो हमारी आ गई है चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। ये मैं आप लोगों को सिर्फ यही दिखाने वाली हूँ। ये हमारा डोनट बैटर तैयार है। तो इसमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, लाइक 1 टीस्पून 1 टीस्पून। आज मैं इस पे चॉकलेट आइसिंग की कोटिंग भी करूँगी। बच्चों ने बोला कि मम्मा उस पर कोटिंग करो चॉकलेट आइसिंग की, ठीक है मैं करती हूँ। तो इस तरह से ये मिनी है ना, तो इसमें बहुत थोड़ा सा जाएगा। चलिए इसे बंद कर देते हैं। देखिए चलिए सारे डोनट तैयार हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये मसाला कितने फ्लफी रेडी होते हैं, ये बहुत अच्छे मसाले। तो चलिए इनको ट्रांसफर कर लेते हैं और इनको फिर कोटिंग करते हैं। फ्राई के लिए ऑयल रेडी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कॉर्नफ्लेक्स लेते हैं और हम इसको फ्राई करेंगे, इस चीज को कॉर्नफ्लेक्स लगा के। चलिए ये देखिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये इसको ना इसमें थोड़े से बड़े फैले हुए पैन में सेट करना है, और थोड़ा सा इसको इस तरह से क्रश करना, पूरा नहीं थोड़ा सा, बस। अब इसमें हम
उसको कोटिंग करके चिकन को स्ट्रिप्स को और फ्राई करेंगे इस तरह से। चलिए, और ऑयल को हम लो टू मीडियम फ्लेम ही रखेंगे ताकि अच्छी तरह से चिकन अंदर तक पक जाए। ये देखते हैं, हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम फ्राई करेंगे इस तरह से। ये सारे एक एक स्ट्रिप्स निकालेंगे और इसको इसमें कोट करेंगे। ये दूसरा हाथ इसमें यूज़ करिएगा जब आप कॉर्नफ्लेक्स डालें, इसकी जगह आप ब्रेड स्क्रम भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ये पसंद है तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। ये एक पहले डाल के देखते हैं ऑयल कैसा है। एकदम लो फ्लेम पे है ऑयल, ये फिर भी तेज़ हो गया है, तो थोड़ा सा हम इसको और ऑफ करेंगे, भी लो करेंगे इस तरह से। तो चलिए हम इसी तरह से सारी कोट कर लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची रेडी होते हैं ये माशाल्लाह, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से। चलिए सारे इसी तरह से हम बनाते हैं। ये देखिए क्या ज़बरदस्त से रेडी हुए हैं हमारे स्ट्रिप्स। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों से बनाई है मैंने। ये भी थोड़ा सा हो जाए फिर इनको निकालते हैं, रिमूव करते हैं। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। एकदम लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है ताकि अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए, चिकन कच्चा ना रहे। तो आप लोग इस तरह से बनाएं। अब हम रेडी करेंगे नेक्स्ट, क्या बच्चों को पसंद है, समोसे वगैरह फ्राई करेंगे अभी। इसी तरह से सारे हम निकालेंगे। बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं ये। अब इसी में हम और रेडी करके रखे हैं वो डाल देंगे। देखिए मैं इनका कलर आपको दिखाती हूँ, इतना अच्छा सा माशाल्लाह ये कलर आया। तो चलिए ये और हम इसी में ट्रांसफर कर लेते हैं, फ्राई करते हैं इस तरह से। चलो एक छोटी सी टिप्स भी हो जाए ये आपको ऑयल क्लीन करने की तरकीब। इस तरह से आप ऑयल को अपने क्लीन कर सकते हैं, इसमें जो रह जाए वो निकाल सकते हैं इस तरह से। तो चलिए अब हम फ्राई करेंगे वड़े। ये मिक्स दाल वड़े हैं, तो ये मैं बना के रखती हूँ हमेशा स्टोर करके फ्रीजर में। इनको जब भी आपको बनाना हो निकाल के आप फ्राई कर सकते हैं, एकदम फ्रेश लगेंगे इस तरह से। ये सारे फ्राई करके फिर इनमें या तो आप ऐसे ही चटनी के साथ खाएं या आप इनको दही में डिप करके भी खा सकते हैं। ये हमारे मिनी डोनट्स रेडी हो गए हैं, तो हम इनको इस तरह से आइस पे कोटिंग करते हैं। ये मैंने चॉकलेट का लिया है और इस तरह से कोटिंग करके
और हम इस तरह लगा देंगे उसमें और फिर इनको फ्रिज में रख देंगे ताकि ठंडे हो जाए। इस तरह से इसके ऊपर आप कुछ भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अभी मैं फिलहाल प्लेन बना रही हूँ, बच्चों को प्लेन ही चाहिए थे। इस तरह से ये देखिए बड़े भी रेडी हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। ये भी हमने लो फ्लेम पे ही फ्राई किया है क्योंकि इनको एक बार हम फ्राई करके रखते हैं, हल्का सा फ्राई करना होता है बस, ताकि ये बंधे रहें, टूटे ना। और फ्राई करके फिर हम इनको ठंडा करके फ्रीजर में रख देते हैं जिप्लॉक बैग में डाल के। चलिए इसी तरह से हम सारी चीज़ें फ्राई कर लेते हैं। ये समोसे फ्राई कर लेते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, कौन सी इसकी डिश की। ये स्नैक्स बहुत अच्छे हैं, इवनिंग में भी, शाम में, रमज़ान के बाद भी आप इवनिंग में बना सकते हैं इस तरह से। तो चलिए समोसे फ्राई कर लेते हैं। समोसे अच्छी तरह से पक गए हैं, हम निकाल लेते हैं और इसी में अब हम ये रोल फ्राई करेंगे। ये हम लोग नहीं खाते हैं, बच्चे ही खाते हैं, तो बच्चों के हिसाब से मैं फ्राई कर रही हूँ। और ये मैं चिकन नगेट्स है, ये फ्राई कर रही हूँ। तो बच्चों का रोज़ा होता है तो फिर मन करता है कि सारी चीज़ें बच्चों की फेवरेट हों, ताकि उनको हिम्मत भी मिले और अच्छा भी लगे। पूरा दिन रोज़ा रखते हैं तो कुछ अच्छा सा उनका फेवरेट ही होना चाहिए। चलिए ये दाल वड़ा कैसे बनाना है ये मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से सारे हम लगा लेंगे ऐसे। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है इस तरह से। और इसके ऊपर ये मैंने लेबान लिया है, आपके पास दही है तो आप दही को थोड़ा सा वो करके पतला करके वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हरी चटनी हम यूज़ करेंगे, आप अगर चाहें तो आप इसमें ग्रीन चटनी के अलावा इमली चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें इमली की, इसकी ग्रीन चटनी ही सॉरी अच्छी लगती है और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इस पे मैं अभी डालूँगी ज़ीरा पाउडर, ये होममेड रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रीन चटनी इस तरह से, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये और थोड़ा अलग भी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये वड़े की रेसिपी है चैनल पे, तो अगर आपको चाहिए तो आप मिक्स दाल वड़ा रेसिपी करके आप देख सकते हैं, मूंग दाल वड़ा भी है। तो ये रेडी हो गया, ये भी रेडी हो गए हैं। चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। बच्चों का मोस्ट फेवरेट ये देखिए, ये बनाने वाली हूँ, बहुत पसंद है मेरे बच्चों को ये। ये बहुत ही आसान भी है और एक और है तो वो मैं आपको भी दिखा रही हूँ, आपको शायद उसको देख के अपना बचपन याद आ जाएगा। ये देखिए ये कलरफुल आपने बचपन में उंगलियों में लगा के खाए होंगे, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह। ये देखिए ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज इनका रोज़ा है तो अभी फ्राई कर देती हूँ। रमज़ान में एक ही बार बनाया है इनको, बिना रमज़ान, जब रमज़ान नहीं थे तो मैंने बनाया था, वीडियो तो नहीं बनाया था सर। तो इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे इनको, बहुत ही मज़े के लगते हैं ना। तो बच्चों के साथ में अपना बचपन याद आ जाता है। चलिए इसी तरह से सारे फ्राई कर लेते हैं। चलिए अब लस्सी तैयार करते हैं। ये लेबान है,
अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी। ये देखिए माशाल्लाह बच्चों का इफ्तार रेडी हो गया है सभी के लिए। ये वड़े रेडी हो गए सारा इस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग भी बनाइए और हमें बताइए कि आपको इसमें से किस चीज़ की रेसिपी चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे बच्चों के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को हमेशा खुश रखे, सलामत रखे, नेक दीनदार ज़हीन और ईमान वाले हों।